के द्वितीय भाव में आ जाते हैं। द्वितीय भाव के स्थायी कारक ग्रह गुरु हैं। क्यों? क्योंकि वहां से मेनली हमें धन का विचार करना होता है और आगे उस भाव से संबंधित चीजों का अगर विचार करना है तो धन का विचार करना है तो धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे। वाणी का विचार करना है तो वाणी के कारक बुध हो जाएंगे। स्वाद का विचार, क्योंकि द्वितीय भाव से ही जिह्वा का विचार किया जाता है क्योंकि वह मुंह के अंदर ही होती है, तो स्वाद के कारक शुक्र हो जाएंगे। द्वितीय भाव से सीधी आंख का भी विचार किया जाता है तो राइट आई के कारक सूर्य हो जाएंगे। और द्वितीय भाव से भोजन का भी विचार करते हैं तो भोजन के कारक यहाँ पर चंद्रमा हो जाएंगे। तो अगर हमको द्वितीय भाव से विचार करना है धन का तो गुरु की स्थिति, वाणी का तो बुध की स्थिति, स्वाद का विचार करना है तो शुक्र की स्थिति, सीधी आंख का विचार करना है तो सूर्य की स्थिति, और भोजन का विचार करना है तो चंद्रमा की स्थिति को देखना ज़रूरी है।